जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ECIL ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी यानी कि GET रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में जो कि रिसेंटली जारी की गई है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ। पर उसके पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुँच जाए जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं पूरी जानकारी। नेम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर ECIL बोलते हैं। जॉब टाइप सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों ये भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आती है। जॉब नेम ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। सैलरी आपको इस पोस्ट पर 48,160 रुपये दिए जाएंगे। टोटल वैकेंसी 64 निकाली गई है। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया के अंदर होगी और आप लोग ऑल इंडिया से ही इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 6 दिसंबर 2019 है। लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 4 जनवरी 2020 है। यानी कि 6 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी 2020 तक आप आवेदन कर पाओगे। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपके लिए वीडियो लाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए। तो अगर आपके इस बारे में कॉमेंट आते हैं तो मैं आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो बना दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट ECIL.co.in, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाओगे। अब दोस्तों मैं आपको बाकी की जानकारी डायरेक्टली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देता हूं। अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और आप यहां पर देख सकते हो कि इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो गेट 2018 एंड 2019 स्कोर के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा आप यहां पर इसकी डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी डिटेल और जो आपकी अपर एज लिमिट रखी गई है 30 नवंबर 2019 तक, वो भी देख सकते हो। और साथ ही इस एज लिमिट के अलावा SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट आयु सीमा के अंदर दी जाएगी। क्वालिफिकेशन जो आपसे मांगी है वह आपकी फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री विद मिनिमम 65% अगर आप जनरल या फिर OBC से हो और 55% अगर आप SC ST OBC से हो। और दोस्तों यहाँ पर नोट करके बताया, कैंडिडेट्स हैविंग पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन इंजीनियरिंग आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग के अंदर वो लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते। और यहाँ पर दोस्तों आप BTech इंजीनियरिंग डिग्री आइडेंटिफाई डिसिप्लिन यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से चेक कर सकते हो, आपको ये जानकारी इसके अंदर अच्छे से देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर बॉन्ड की बात की जाए तो आप बॉन्ड के बारे में भी जानकारी चेक कर सकते हो और कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल आप यहां पर डिसिप्लिन वाइज अच्छे से चेक कर पा रहे हो। क्वालिफिकेशन आप यहां पर फिर से कंफर्म कर सकते हो और जो आपका सिलेक्शन है वो आप यहां पर देख सकते हो। फॉर द गेट पोस्ट द सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल कंप्राइज ऑफ 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे कि मार्क्स एज पर गेट 2018 एंड 2019, स्कोर बाई स्कोर एज मे बी एप्लीकेबल एंड पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि जो आपका गेट स्कोर है वो और उसके बाद जो लोग उसको क्वालिफाई कर जाएंगे उनका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी ECIL GET रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में जानकारी। यहाँ पर आप एप्लीकेशन फीस भी देख लीजिए जनरल OBC कैटेगरी के लिए, जो जिसमें कि इंक्लूडिंग नॉन क्रीमी लेयर भी है और EWS भी है, इनको एप्लीकेशन फीस 500 रुपये देनी होगी। इसके अलावा एप्लीकेबल बैंक जो चार्ज जो लगते हैं बैंक चार्ज वो भी आपको देने होंगे। तो दोस्तों बस यही थी आपकी जानकारी, आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ ज्ञान दे होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।